वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। लास्ट वीडियो में हमने 15 पैटर्न के बारे में पढ़ा था, समझा था कि उसकी कोडिंग जावा में कैसे हो सकती है। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज हम 16 पैटर्न पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे सॉल्व होगा, इसकी क्या कोडिंग होगी, कैसे इसका आउटपुट आएगा। तो आइए इसे देखते हैं, पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। मैं पैटर्न का क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैंने क्लास को नाम दिया है पैटर्न, और 16 इसलिए दिया क्योंकि मैं 16 पैटर्न सॉल्व कर रहा हूं। मैंने क्लास को नाम दिया है पैटर्न 16। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने मेन फंक्शन लिख दिया। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। प्रोसेस होने के बाद आपने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक आपका स्टेप वन, दैट इज द सिंटैक्स पार्ट, कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप टू की। स्टेप टू में आपको वो वेरिएबल्स लिखने होते हैं जो आपके प्रोग्राम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, आई और जे, इंट आई और इंट जे। मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं आई और जे, दोनों ही कौन से डेटा टाइप के, इंटीजर डेटा टाइप के। आई और जे दोनों ही लूप चलाने के लिए हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जिन्हें हम रोज बोलते हैं, उसका लूप चलता है आई से। और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिसको हम कॉलम्स बोलते हैं, उसका लूप चलता है जे से। तो आई और जे मैंने दोनों ही लूप चलाने के लिए लिए हैं। तो आइए अब इसे समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। अब सबसे पहले हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, और हम देख रहे हैं कि पहली रो में सिर्फ 9 है, दूसरी रो में सिर्फ 8 है, तीसरी रो में सिर्फ 7 है, चौथी रो में सिर्फ 6 है, और लास्ट रो में सिर्फ 5 है। यानी कि रोज सेम है। तो जब रोज सेम होती है तो मैंने आपको क्या बताया है, आई प्रिंट होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट किया है, आई प्रिंट किया है। आई प्रिंट करने के बाद अब हमें देखना है कि हमारी रोज शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां पे हो रही है। देखिए मेरी जो रो है वो, इसको मैं मान लेता हूं 9th रो, क्योंकि इसमें सिर्फ 999 है और शुरुआत भी 9 से हो रही है। ये है 8th रो, ये है 7th रो, ये 6th रो, ये 5th रो। अब इसको मैं 1, 2, 3, 4, 5 भी मान सकता था, पर मैंने क्यों नहीं माना, मैंने इसको 9, 8, 7, 6, 5 क्यों माना, क्योंकि इसमें प्रिंट भी 9, 8, 7, 6, 5 ही हो रहा है। तो जब आपको वो नंबर, जो नंबर्स प्रिंट करने थे, आपको रोज भी वैसे ही माननी पड़ती हैं। तो ये 9th रो हो गई, ये 8th रो, ये 7th रो, ये 6th रो, ये 5th रो। तो यानी पहले 9th रो प्रिंट होगी। सबसे पहले 9th रो प्रिंट होगी तो मैंने i इज इक्वल्स टू 9, सबसे पहले i को इनिशियलाइज करा लिया 9 से, 9 से शुरू हो और 5 पे खत्म हो। 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फिर 8 होगा, फिर 7, फिर 6 और फिर 5। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देता हूँ i इक्वल्स टू 9। अब जो हमारा जो कॉलम्स का, यानी कि j का लूप है, वो हम i के अकॉर्डिंग चलाते हैं, यानी हमारी रोज के अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो आइए अब उसे समझते हैं कि कैसे चला सकते हैं। देखिए पहली रो में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 1 से 5 तक। दूसरी रो में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, 1 से 4 तक। तीसरी रो में 1, 2, 3, तो 1 से 3। नेक्स्ट रो में 2, तो 1 से 2, और लास्ट रो में 1, तो 1 से 1। ये हमारी एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं इस तरीके से। अब एक बात यहां नोट करिएगा कि हम क्या 1 से 5 तक प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं जे का लूप चलाऊंगा 1 से 5 तो क्या होगा, 1 से 5 चल जाएगा, फिर मैं उसे 4 कैसे लाऊंगा, 1 से 4 कैसे चलाऊंगा अगली बार। या तो मैं आई तक चलाता था, आई की वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे आपने चलाया 1 से आई, अब जो आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी वो आती जाएगी, 1 से आई यानी 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं मान सकते कि ये 1 से 5 चल रहा है, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2 और ये 1 से 1। हमें इसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, हम ये बोल सकते हैं कि ये 5 से 9 चल रहा है, कैसे, 5, 6, 7, 8, 9। फिर हम बोल सकते हैं कि ये 5 से 8 चल रहा है, कैसे, 5, 6, 7, 8। फिर हम बोल सकते हैं 5 से 7 चल रहा है,
फाइव सिक्स सेवन, फिर हम बोल सकते हैं फाइव से सिक्स चल रहा है, फाइव सिक्स, फिर हम बोल सकते हैं फाइव से फाइव चल रहा है, तो ये फाइव। तो यानी कि जो हमें जे का लूप चलाना होता है वो आई के अकॉर्डिंग चलाना होता है। आई में नाइन और फाइव नंबर्स हैं, तो जे में भी हमें कुछ इसी तरह चलाना है कि नाइन या फाइव ऐसा ही कुछ चले। तो मैंने देखा कि अब हमारा क्या बैठ रहा है ये, अब मैं इसको रफ करता हूं, तो सही जे का लूप क्या चलना चाहिए, फाइव से नाइन, फाइव से एट, फाइव से सेवन, फाइव से सिक्स और फाइव से फाइव। इस तरीके से आपका लूप चलना चाहिए, यानी जे की स्टार्टिंग फाइव से होनी चाहिए और एंडिंग आई पे होनी चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू नाइन है, फिर आई की वैल्यू एट होगी तो फाइव से एट चलेगा, फिर आई की वैल्यू सेवन होगी तो फाइव से सेवन चलेगा, फिर आई की वैल्यू सिक्स होगी तो फाइव से सिक्स चलेगा, और फिर आई की वैल्यू फाइव होगी तो फाइव से फाइव चलेगा। तो इसके लिए हमने जे इज इक्वल्स टू फाइव ले लिया, क्योंकि फाइव से स्टार्टिंग हो रही है और खत्म कहां पे हो रहा है, आई पे खत्म हो रहा है। तो हमने लिख दिया जे इज लेसर देन इक्वल्स टू आई, जे आई तक ही चले, उससे आगे ना चले। तो अब ये तो मैंने आपको रफली समझा दिया, अब इसका ड्राई रन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट सही आता है या नहीं। अब आप पैटर्न को देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं, अब हम चेक करेंगे हमारा ये पैटर्न बन रहा है या नहीं। तो i इज इक्वल्स टू 9, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 9 5 से बड़ा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, अंदर आ गए। j इक्वल्स टू 5, j की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब आप चेक करेंगे 5 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, i की वैल्यू क्या है 9, तो 5 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 5 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए। क्या लिखा हुआ है, SOPI, SOP यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म SOP यूज नहीं कर सकते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, यानी ये आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो आई की वैल्यू है 9, तो ये हमारा 9 प्रिंट हो गया। जैसे ही ये रन करेगा, इसके बाद हम यहां ऊपर जाएंगे लूप के अपडेशन पार्ट पे, अब हम अपने लूप को अपडेट करेंगे। तो जे प्लस प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपकी जे की जो भी वैल्यू होगी हम उसे एक से इंक्रीज कर देंगे। तो जे की वैल्यू 5 है तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आप कंडीशन को चेक करेंगे, 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू आई, यानी 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 6 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए। एसओपी आई यानी कि अगेन आई प्रिंट हो रहा है, तो आप ऊपर जाएंगे और आप आई प्रिंट कर देंगे। ये लाइन क्यों नहीं चेंज हो रही, सब चीज एक ही लाइन में कैसे प्रिंट हो रही है, मैं ये फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा। फर्स्ट रो यानी जो हमारी नाइन्थ रो है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ये चीज बताऊंगा। तो हम यहां से ऊपर गए जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 7, क्योंकि जे प्लस प्लस यानी वैल्यू एक से इंक्रीज हो गई। अब हम वापस कंडीशन चेक करेंगे, क्या 7 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 7 9 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, अंदर आ गए। एसओपी आई, क्या प्रिंट कर दिया आपने, आई प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू क्या है 9, तो 9 प्रिंट कर दिया। अब हम ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस वापस से अपडेशन पार्ट पे, तो जे की वैल्यू 7 कट के क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब वापस कंडीशन चेक करेंगे, 8 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 8 9 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, अंदर आ जाएंगे। एसओपी आई, तो क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट हो जाएगा, तो आपने क्या प्रिंट कर दिया, 9 प्रिंट कर दिया। 9 प्रिंट करने के बाद आप वापस अपडेशन पार्ट पे जाएंगे, जे प्लस प्लस, इस बार जी की वैल्यू 9 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक कराएंगे, 9 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 9 9 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है, क्या 9 9 के इक्वल है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो यानी कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू माना जाता है। हम अंदर आए एसओपी आई, अगेन क्या प्रिंट होना है, आई प्रिंट होना है, आई की वैल्यू 9 है तो ये 9 प्रिंट हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारे को जो 9th रो चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है, अब हमें कुछ और प्रिंटिंग कराना, अब हम चाहते हैं कि हमारी लाइन चेंज हो जाए, तो वो कैसे होगी उसको ध्यान से देखिएगा। अब हम ऊपर गए जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू 1 कट के क्या हो गई, 10 हो गई। तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे, 10 इज लेसर देन इक्वल्स टू 9, क्या 10 9 से छोटा है, नहीं, क्या 10 9 की इक्वल है, नहीं, कंडीशन पूरी फॉल्स हो गई।
तो आप ये लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आते ही आपको एक चीज मिली, उसका नाम क्या है, एम्प्टी एसओपीएल। एम्प्टी कुछ नहीं है इसके अंदर, और एसओपीएल है। एसओपीएलएन आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यूज करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब आपको कोई चीज प्रिंट करानी है, और एलएन का फंक्शन होता है ये लाइन चेंज करता है, यानी न्यू लाइन लेके आता है। तो जो भी आपकी लाइन है आप उसकी नेक्स्ट लाइन में आ जाते हो इसकी हेल्प से। तो ये एम्प्टी है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, पर जो आपका यहाँ कर्सर है वो आपकी लाइन चेंज करके नीचे आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन होता है SOPLN, ये सिर्फ आपकी लाइन चेंज करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही लाइन चेंज हो जाएगी उसके बाद आप यहां से ऊपर जाएंगे I माइनस माइनस पे। I माइनस माइनस होते ही I की वैल्यू एक से डिक्रीज हो जाएगी, तो 9 कट के 8 हो जाएगी। अब हम वापस कंडीशन चेक करेंगे, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 8 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ जाएंगे, j इक्वल्स टू 5, फिर से j की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब आप न्यू रो प्रिंट कर रहे हो, यानी कि इस बार आप 8th रो प्रिंट करवा रहे हो, तो फिर से कॉलम 5 से ही शुरू होगा, पर चलेगा कहां तक, इस बार 9 तक नहीं चलेगा। लेसर देन इक्वल टू i, i की वैल्यू क्या है 8, तो इस बार 5 से 8 तक चलेगा। तो इस तरीके से ये रन करेगा। अब देखते हैं 5 से 8 तक कैसे चलेगा। 5 इज लेसर देन इक्वल्स टू 8, क्या 5 8 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आए, आपको क्या मिला, अगेन आपको आई प्रिंट कराना है, पर इस बार दो चीजें चेंज है, एक तो जो आई है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, और दूसरी बात इस बार आई की वैल्यू 8 है, तो इस बार 8 प्रिंट होगा। 8 प्रिंट होते ही आप वापस ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 5 कट के क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी। 1 से इंक्रीज होने के बाद जे की वैल्यू हो गई 6। अब वापस आप कंडीशन चेक कराएंगे, क्या 6 इज लेसर देन इक्वल्स टू 8, क्या 6 8 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। आप अंदर आ गए, अगेन आपने क्या प्रिंट करा दिया, आपने आई प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यू क्या है 8 है, तो ये आपने अगेन 8 प्रिंट करा दिया। अब आप ऊपर गए जे प्लस प्लस, तो फिर से जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, तो 6 से इंक्रीज होके 7 हो गई। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, क्या 7 इज लेसर देन इक्वल्स टू 8, क्या 7 8 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो वापस आप अंदर आएंगे एसओपीआई, अगेन आप आई प्रिंट करा देंगे, आई की वैल्यू 8 है तो एक और 8 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही प्रिंट कराने के बाद जैसे ही आप ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू 1 से फिर से इंक्रीज होके 8 हो जाएगी। तो जैसे ही जे की वैल्यू 8 हुई, अब वापस कंडीशन चेक कराएंगे, 8 इज लेसर देन इक्वल्स टू आई, क्या 8 इज लेसर देन इक्वल्स टू 8, क्या 8 8 से छोटा है, नहीं, क्या 8 8 की इक्वल है, हाँ, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू माना जाएगा। अंदर आ गए, अगेन आपने आई प्रिंट कराया, तो इस बार आई क्या प्रिंट होगा, 8 ही प्रिंट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो अब हम यहां से ऊपर जाएंगे जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू 8 कट के क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आप कंडीशन चेक कराएंगे, 9 इज लेसर देन इक्वल्स टू 8, क्या 9 छोटा है 8 से, नहीं, क्या 9 इक्वल है 8 के, नहीं, कंडीशन हो गई कंप्लीटली फॉल्स। आप आ गए लूप के बाहर, लूप के बाहर आते ही आपको क्या मिला, एम्प्टी एसओपीएलएन। एम्प्टी एसओपीएलएन क्या करेगा, आपकी लाइन चेंज करने में हेल्प करेगा। अब आपका कर्सर यहां से कहां आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आते क्या हुआ, अब वापस ऊपर जाएंगे आई माइनस माइनस, इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, तो 8 से अब 7 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक कराएंगे कि 7th रो वैलिड है या नहीं, हमें 7th रो प्रिंट करानी है या नहीं। आपने कंडीशन चेक कराई, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 7 बड़ा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है यानी कि 7th रो प्रिंट होगी। j इक्वल्स टू 5, j की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब आप न्यू रो प्रिंट करा रहे हैं, न्यू रो यानी 7th रो प्रिंट करा रहे हैं, तो 7th रो है तो कॉलम फिर से 5 से ही स्टार्ट होगा, और इस बार अब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अब दोबारा से ये रन करेगा, लास्ट टाइम आपका 5 से 8 तक चला था, इस बार आपका लूप 5 से, इधर देखिए 5 से 7 तक,
ये 7 लिखा हुआ है, 5 से 7 तक चलेगा, तो j equals to 5, 5 is lesser than equals to 7, 5 7 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, i प्रिंट हो जाएगा, इस बार i की वैल्यू 7 है, यानी कि 7 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे j++, तो j की वैल्यू 5 कट के इस बार क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। आप वापस अब कंडीशन चेक करेंगे, 6 is lesser than equals to 7, क्या 6 7 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अब आप वापस अंदर आएंगे SOP i, अगेन क्या होगा, अब i प्रिंट होगा, i की वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये हमने 7 प्रिंट कर दिया। इसके बाद अगेन आप ऊपर जाएंगे j++, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, एक इंक्रीज हो जाएगी, 6 से एक इंक्रीज होके 7 हो गई। तो अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, 7 इज लेसर देन इक्वल्स टू 7, क्या 7 7 से छोटा है, नहीं, क्या 7 7 की इक्वल है, हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो आप अंदर आ जाएंगे SOPI, अगेन आप 7 प्रिंट करा देंगे, 7 प्रिंट कराते ही आप वापस ऊपर जाएंगे J++, J की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो 7 कट के अब 8 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक कराएंगे, 8 इज लेसर देन इक्वल्स टू 7, क्या 8 7 से छोटा है, नहीं, क्या 8 7 की इक्वल है, नहीं, कंडीशन आपकी कंप्लीटली फॉल्स हो गई। आप आ गए लूप के बाहर, लूप के बाहर आते ही आपने क्या देखा, एम्प्टी SOPLL, एम्प्टी SOPLL क्या का हेल्प करेगा, आपकी लाइन चेंज करने में हेल्प करेगा। अब आपका कर्सर यहां आ गया, अब जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, तो 7 से डिक्रीज होके क्या होगी, 6 हो जाएगी। सेम मेथड से जैसे मैंने 9th, 8th और 7th रो प्रिंट कराई है, सेम मेथड से 6th और 5th रो प्रिंट होंगी। मैं चाहता हूं कि बाकी की बची दो रोज की वर्किंग आप खुद करें। तो अब कैसे होंगी, मैं एक शॉर्ट सा रिव्यू दे देता हूं आपको, शॉर्ट समरी। जब हम देखते हैं 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, 6th रो वैलिड है, तो इस बार लूप 5 से 6 तक चलेगा। जब 5 से 6 तक चलेगा तो दो बार चलेगा, तो 6 6 प्रिंट होगा। उसके बाद कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं, क्या 5 5 के इक्वल है, हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप चलेगा 5 से 5 तक, एक बार ही चलेगा, क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट कर देगा, ये 5 प्रिंट हो गया। जैसे ये 5 प्रिंट होगा और कर्सर SOPLL की हेल्प से जब ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, न्यू लाइन में आएगा, तो क्या होगा, आप वापस ऊपर जाएंगे और i माइनस माइनस करेंगे, तो i की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, तो 5 से डिक्रीज होके 4 हो जाएगी। अब वापस आप कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं, क्या 4 5 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स और आप आ गए लूप के बाहर। और लूप के बाहर आते ही आपने देखा कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप नोटिस कर सकते हैं हमें जो आउटपुट चाहिए था हमें वो आउटपुट मिल गया है। तो क्या चीज ध्यान देने वाली थी यहाँ कि रो कहां से शुरू हो रही है, कहां पे खत्म हो रही है, कॉलम कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां पे खत्म हो रहे हैं, और आई और जे दोनों का लूप इस हिसाब से चलेगा कि हमें प्रिंट क्या कराना है, 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है, 9 8 7 6 5 प्रिंट कराना है, या क्या नंबर्स प्रिंट होने हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।